अदालती खबरों को बुलेटिन में शामिल करेंगे और अभी आपको बताएं कि कराची की एहतसाब अदालत में MDPSO की तैनाती का रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक MDPSO समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्सा शाहिद खाकान अब्बासी के वकील पेश ना हुए। नैब ने मुल्जिम की दरखास्त पर जवाब जमा नहीं कराया। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम की बरियत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। कराची की एहतसाब अदालत में MDPSO की तैनाती का रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी साबिक MDPSO समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश होगा। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा शाहिद खाकान अब्बासी के वकील पेश ना हुए। नैब ने मुल्जिम की दरखास्त पर जवाब जमा नहीं कराया। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम की बरियत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। कराची की एहतसाब अदालत में MDPSO की तैनाती का रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी साबिक MDPSO समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। इस पर मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे GM कोपांग से। GM कोपांग मजीद बताइए कि समाअत के हवाले से। जी, एहतसाब अदालत कराची में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ साबिक MDPSO की तैनाती का मामला था, उसमें तमाम मुल्जिमान पेश हुए, मगर शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ख्वाजा नवीद साहब आज पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर उनको पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। साथ में मुलजिम इमरान हक के बयान पर नैब की जानिब से जो है वो जवाब दाखिल करवाना था, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी जो आज नैब जमा नहीं करवा सका। उसके मुतलिक भी अहकाम ये थे कि आइंदा समाअत पर नैब अपना जवाब जमा करवाए, जो मुलजिम इमरान हक ने दरख्वास्त दायर की हुई है। अब साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा के जरिए की ये दरखास्त नैब हुकाम को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आइंदा समाअत पर तमाम को हाजिर रहने की अदालत ने आज हिदायत जारी की है। जी ठीक है, GM कोपांग आपका शुक्रिया। गरीब आवाम पर